सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के लिए मंगलवार का दिन वो खुशखबरी लेकर आया जिसका उन्होंने कई दशकों से इंतजार किया होगा। अमिताभ ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा से जुड़े हर कलाकार का ये ख्वाब होता है। बॉलीवुड के बिग बी को इस साल भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। अमिताभ बच्चन को आज बॉलीवुड में 50 साल पूरे हो चुके हैं और वो पिछले 5 दशकों से हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय के एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए सफर तय कर पाना इतना भी आसान नहीं था। हिंदी सिनेमा जगत से उनका कोई खास संबंध नहीं था। अपने शुरुआती दौर में उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया। आज अमिताभ बच्चन भले ही अपनी दमदार आवाज़ को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग दम रखते हों, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें इसी के चलते कई बार रिजेक्शन का मुंह देखना पड़ा था। अपनी आवाज़ के साथ ही अमिताभ को अपनी हाइट को लेकर भी कई बार फिल्मों से रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि निर्माता उन्हें कहते थे कि अपनी टांगे नीचे से कटवा कर आओ, तब तुम्हें फिल्म मिलेंगे। लेकिन इसके बाद भी अमिताभ ने अपना हौसला जारी रखा। अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो में काम करना चाहते थे, लेकिन उनकी भारी आवाज़ के चलते उन्हें 2 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद में अमिताभ ने सीने जगत में अपने करियर की शुरुआत वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर की। अमिताभ बच्चन ने साल 1969 में नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भुवन शोम के लिए अपनी आवाज़ दी थी। अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने फिल्म सात हिंदुस्तानी से की थी। और अब अमिताभ बच्चन को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।